मैं जम्मू कश्मीर को ये बताना चाहता हूँ उनके 60 की तरफ से कि अभी कल और परसों के दिन में एक कंपटीशन हुआ है हमारे स्टेट में, जे एंड के स्टेट पावरलिफ्टिंग 2018। उस कंपटीशन में हमारे जिम की तरफ से हमारे कैंडिडेट्स ने 14 मेडल्स लाए हैं, जो आज तक किसी भी जिम की तरफ से स्टेट में। सेकेंड नंबर में मैं भानुदेव सिंह जम्बाल संभ्याल जी से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जो उन्होंने एक सिल्वर का लिया है और हाईएस्ट कैटेगरी 100 प्लस की कैटेगरी में इन्होंने कंप्लीट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है और उसमें सिल्वर हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। जो करते हैं शायद उन्हीं को इस बारे में ज्यादा पता होगा। अगला मैं उस फीमेल कैंडिडेट का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ जिन्होंने कीर्तिमान दर्ज किया है। जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने ओवरऑल तीनों कैटेगरीज में पावर वुमन का खिताब हासिल किया है, साक्षी कोल। उसके बाद इशिता शर्मा, उनका फर्स्ट टाइम था और उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही एक गोल्ड हासिल किया है और ये उनके लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात है और हमारे लिए भी। अगला है तरनजीत कौर, एक ब्रॉन्ज है उनके नाम पे, उनका भी पहला कंपटीशन था और पहले कंपटीशन में उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल से अपना खाता खोला। उसके बाद अक्षय महाजन, उन्होंने दो मेडल्स जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। अभय शर्मा, एक सिल्वर। त्रिभुवन संभ्याल, वन सिल्वर। एंड दिवाकर गुप्ता, वन ब्रॉन्ज। टोटल इट विल बी कॉस्ट टू अस विद 14 मेडल्स टू आवर जिम। और मैं यही कहूंगा, हमें सिर्फ एक से सवा साल हुआ है इस बिजनेस में, मैं इसको बिजनेस ही कहूंगा, इसके बदले मैं इसको पैशन कहूंगा, और हमने एक बहुत अच्छे एथलीट्स दिए हैं अपने स्टेट को और चाहेंगे कि हम और इससे अच्छा काम करें। थैंक यू भाई। आप ना पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, भी एक छोटी बाइट बाइट कर दे, एक खड़े हो जाओ। हेलो, हाँ कर लो जी भाई ना, एक मिनट जी एक मिनट सर जी जी सर। मैं सबको यही चाहूंगा, जैसे आपने देखा है कि जो एक कंपटीशन हुआ है एक हेड आउट के एक स्लोगन के नीचे हुआ है, स्टे नो टू ड्रग्स, और हमने कई ऐसे स्लोगन है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, तो उसमें भी हमारी तरफ से हम पूरा अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि अपनी जे एंड के गवर्नमेंट से अपनी सेंटर की गवर्नमेंट से जो यहाँ के एथलीट है, प्लीज उनको प्रोत्साहन दिया जाए, यहाँ पर बहुत टैलेंट है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना सपोर्ट हमें दें, बाकी हम पे छोड़े, हम करके दिखाएंगे। सर, ड्रग्स को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह यूथ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं ड्रग्स को लेके मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, हमारी स्टेट बाकी स्टेट से ड्रग्स के मामले में ये नहीं कहूंगा कि अछूती है, पर उसमें हमारी स्टेट में भी ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे क्रेसिस सामने आते हैं। मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा, एक कोई भी गेम, चाहे वो पावर लिफ्टिंग है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, एनीथिंग जो भी आपको पसंद है, प्लीज उसकी तरफ अग्रसर होइए। ड्रग्स से अच्छा है नशा, आपकी गेम से रिलेटेड है। अपने यूथ को यही कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, ड्रग्स आगे नहीं बढ़ाएंगे उनको, उनकी लाइफ स्पैन को छोटा करेंगे, उनको पीछे खींचेंगे। आप अपना तो नाम डुबोएंगे, जिनका एक्सपेक्टेशन है आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का, आपके गुरुओं का, वो सब आपसे डिप्रिशिएट करेंगे, उन्हें दुख होगा। प्लीज ना अपने लिए नहीं जीना चाहते, प्लीज अपनी फैमिली के लिए जिए, सबके लिए जिए, और ड्रग्स को ड्रग्स से जितना दूर रह सकते उतना रहें। थैंक यू।